दोस्तों, आज मैं आप सबको तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित श्री बृहदेश्वर मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ। तो आइए सीधे आपको मंदिर में ले चलते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा यह द्वार मराठा द्वार के नाम से जाना जाता है। मराठा द्वार के बाद केलंटकन का भव्य द्वार है ये। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार राजा राजन प्रवेश द्वार है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही सामने आपको नंदी मंडप देखने को मिलेगा। नंदी महाराज सीधे मंदिर के विमान गृह की ओर देखते हुए स्थापित हैं। दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजा राजेश्वर या पेरुबुदैयर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजा चोल प्रथम के द्वारा सन 1003 से 1010 ईस्वी में करवाया गया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मंदिर की खासियत दिखलाने जा रही हूँ। आप नंदी महाराज की मूर्ति देख रहे हैं। 13 फीट ऊंची नंदी महाराज की यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। दक्षिण भाग में श्री महावाराही माता का एक मंदिर है, जिसमें लोग पूजा पाठ के साथ साथ परिक्रमा भी करते हैं। मंदिर के गर्भगृह का एक गुंबद सिर्फ एक पत्थर को तराशकर बनाया हुआ है। मंदिर के दक्षिण तरफ भगवान श्री गणेश जी का मंदिर भी है। मंदिर प्रांगण में कई छोटे बड़े कक्ष हैं, जिसमें भगवान स्थापित हैं। दीवारों पर चित्रकारी भी की हुई है। मंदिर के पिछले हिस्से में राजा राजा चोल प्रथम के आध्यात्मिक गुरु कर्वूर देवर का भी एक मंदिर है। प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान की विभिन्न रूप एवं मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई है। उत्तर पश्चिम हिस्से में सुरमान्य का भी एक मंदिर है। चंडिकेश्वर मंदिर मुख्य मंदिर और सुब्रमान मंदिर के बीच में है।
नंदी मंडप के छत पर भी अद्भुत चित्रांकन देखते हुए अंत में वापस अपने घर की ओर। जोर से बोलिए भगवान बृहदेश्वर की जय। तो दोस्तों फिर जल्द मिलेंगे अगले यात्रा के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।